અમદાવાદ ખાતે ફેસ્ટ ઓફ હાર્વેસ્ટ પંજાબ સે આસામ તક પંજાબી અને આસામી ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં સૌ પ્રથમવાર પંજાબી અને આસામી બંને ફૂડ એક જ જગ્યાએ જોવા મળશે. નોવોટેલ હોટેલ ખાતે તારીખ 13 એપ્રિલ થી 22 એપ્રિલ સુધી ફેસ્ટ ઓફ હાર્વેસ્ટ સીઝન પંજાબ સે આસામ તક પંજાબી અને આસામી ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સમગ્ર રેસ્ટોરન્ટને પંજાબી અને આસામી પ્રણાલીમાં શણગારવામાં આવશે અને ખાસ પંજાબ અને આસામથી રસોઈયા બોલાવવામાં આવ્યા છે, જેથી લોકોને ત્યાંના કલ્ચરને અનુરૂપ સ્વાદ મળી રહે. આ ફૂડ ફેસ્ટિવલ સાંજે 7 વાગ્યાથી રાત્રિના 11:30 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. હોટેલના એક્ઝિક્યુટિવ શેફ રાકેશ પ્રસાદની દેખરેખમાં સમગ્ર ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. ખાસ પંજાબ અને આસામથી આ ફૂડ ફેસ્ટિવલ માટે શેફ બોલાવવામાં આવ્યા છે, જેથી લોકોને ત્યાંનું અધિકૃત ફૂડ મળી રહે. આ ફેસ્ટિવલ 10 દિવસ ચાલશે, જેમાં દરરોજ અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓનો આનંદ લોકો માણી શકશે. દરરોજ સ્ટાર્ટર, મેઇન કોર્સ, લાઇવ કાઉન્ટર, ચટણી, ડેઝર્ટ જેવી અનેક વાનગીઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. મેરા નામ રાકેશ હૈ ઓર મેં હોટેલ અમદાવાદ મેં એક્ઝિક્યુટિવ કેમેરા લુક પર હમને ઇન દોનો કિસી કો અલગ અલગ ડિવિઝન મેં બાંટ સકતે હૈ. આસ અમદાવાદ કો થોડા સારા લે લો બોલ આપ સબ જાનતે કી ગુજરાત કો સબકો જાનતે કી હમેશા ગુજરાત મેં લોગ નય નય કુઝીન ડેવલપ કરના ચાહતે હૈ ઓર ઉનકા ટેસ્ટ હમેશા કુછ નય ચીઝો શો હોતા હૈ. ये कीपिंग द सेम माइंड ये थॉट कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जो अहमदाबाद में नया हो, इस वजह से हमने एक नया कुजीन को डेवलप किया है, वो है असामी कुजीन. तो असामी कुजीन को हमने यहाँ पे डेवलप किया है. ये भी सोचा है क्योंकि यहाँ के लोगों को चटपटा भी बहुत सारा पसंद है और कुछ लोगों को यहाँ पे पंजाबी कुजीन भी बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ये सोच के हमने दोनों कुजीन से लेकर एक मेनू डेवलप किया है जो पंजाब कुजीन का है प्लस असम कुजीन का है. तो ये स्प्रिंग सीजन का मौसम है, इसमें बैसाखी मनाया जाता है, तो हमने उसकी वजह से वहाँ का कुजीन को काफ़ी ये डेवलप करके एक मेनू बना रखा है. प्लस वहाँ पे रंगोली बिहू मनाया जाता है, तो उस वजह से वहाँ का भी कुजीन लिया है. हमने दोनों जगह से तो अच्छे अच्छे शेफ बुला रखे हैं और उन सबको मिला के एक अच्छा खासा फेस्टिवल का मेनू तैयार किया है. दोनों आइटम बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट दोनों में वेज नॉन वेज का कॉम्बिनेशन है. वेज भी बहुत सारा आइटम्स है क्योंकि आपको पता है कि अहमदाबाद लोगों को वेजिटेरियन बहुत पसंद है, तो वो सोच के हमने वेजिटेरियन का भी बहुत सारा आइटम रखा है. तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा आइटम है और वेज में बहुत सारा आइटम है, नॉन वेज में बहुत सारा आइटम है. सबसे पहले हमने जो सोच रखा है कि जो ऑनलाइन प्रमोशन है या लोगों तक पहुंचा रखा है हमने अपनी कुजिन के बारे में, तो उसमें हमने उन दोनों शेफ के बारे में जिक्र किया है. जो दोनों शेफ आ रहे हैं उनके बारे में हमने सब कुछ बता रखा है. तो हम ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचा देंगे ये न्यूज़ कि हमने अहमदाबाद में एक नया कुजिन को लाए जो असमिया कुजिन है. और साथ में लोगों को ये भी बता रखे हैं कि उनका एक बहुत प्यारा कुजिन जो पंजाबी कुजिन है वो भी साथ में इस फेस्टिवल में किया है. तो इस वजह से हम लोगों को बहुत सारा नया फूड तो पड़ा. असामी कुजिन ही एक नया कुजिन है, उसमें बहुत सारा ऐसा आइटम है जो अहमदाबाद के लिए नया होगा, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्राई नहीं किया कि अहमदाबाद में असम कुजिन का राइस प्रिपरेशन बहुत डिफरेंट है. तो वो सारा प्रिपरेशन हम यहाँ पे लेके आए हैं, उनका नॉनवेज का प्रिपरेशन, उनका वेजिटेबल हर्ब्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, इन सबसे बना हुआ वेजिटेबल सब कुछ है. मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे नाम्स है. कितने दिन चलेगा ये फेस्टिवल? फ्राइडे से शुरू होगा और 22 तक चलेगा. तीस स्क्वायर रेस्टोरेंट में उसमें डिनर में चलेगा और ब्रंच संडे ब्रंच चलेगा. अहमदाबाद आए हैं असम कुजीन लेके और बहुत सारे प्यार तो पेट से शुरुआत होते हैं. असम की कुजीन की बात करिए तो कैसी कुजीन है? सिंपल है, सिंपल है और हम लोग का मसाला कम यूज होता है पर फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग का जो क्वालिटी है वो है फ्रेश इंग्रेडिएंट्स पर ज़्यादातर एम्फेसिस. वी एम्फेसाइज ऑन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और बहुत सारे लोकल इंग्रेडिएंट्स खाते हैं जो भी सीजनल होते हैं वो खाते हैं. और रोटी तो बहुत ही कम खाते हैं हम लोग का. सारा खाना इज बेस्ड ऑन राइस, चावल पर है. डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइस है. सो स्टिकी राइस आज आप लोग के लिए हम ब्लैक राइस भी लेके आए हैं जो बहुत बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट का होता है. खीर हमने ब्लैक काला राइस का बनाया है और चावल जोहा चावल बोलते हैं, दैट इज अ स्मॉल छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं बासमती जैसा नहीं. सो सारे एसमीज खाना लेके आए हैं वहाँ से. असम का नया फूड कौन सा रहेगा, कैसे अहमदाबाद वासियों को आप ट्रीट करेंगे? मेरे को जितना ये है कि नॉलेज है कि अहमदाबादी लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं,
तो खीर और पीठा तो ज़रूर सबको पसंद आना चाहिए। हम लेके आए हैं बिहू की, अब हम लोग का वहाँ का बिहू फेस्टिवल भी है, नए हिंदू न्यू ईयर जो होते हैं उसके लिए हम लोग पीठा और खीर बहुत बनाते हैं, तो वो तो हम ज़रूर लेके आए हैं यहाँ पर। सो आप लोग के सबके लिए અમદાવાદ ખાતે ખાસ ઉપસ્થિત આસામના શેફ કાશ્મીરી નાથ દ્વારા ટેકેરા શરબત, કરદોઈ શરબત, ભાત કેરેલા બોર, પીટીકાશ, બરોર ટેંગા, પમ્પકિન ઓમ્બાલ ચટણી, આલુ ભાજી, બોગોરી ગુરી જેવી અનેક આસામી વાનગીઓનો આનંદ લોકો લઈ શકશે, તેમજ પંજાબી શેફ મહાવીર બિષ્ટ દ્વારા જણાવાયું હતું કે અમદાવાદના લોકો પંજાબી ફૂડના શોખીન છે તે વાતથી બધા લોકો જાણકાર છે, પરંતુ પારંપરિક અને ઓથેન્ટિક પંજાબી ફૂડ દરેક જગ્યાએ લોકોને ખાવા મળતું નથી, માટે આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં લોકોને સંપૂર્ણ પંજાબી ફૂડનો સ્વાદ માણવા મળશે, જેમાં તંદુરી કુંભ, પનીર ટિક્કા, સસલીક, દહી કે કબાબ, પંજાબી પનીર ટિક્કા, નદર ઓર અંજીર કી શમી જેવી અનેક ન ચાખેલી વાનગીઓ મળશે। કેમેરામેન દર્શન સાથે સંજીવ કુમાર રાજપૂતનો રિપોર્ટ, અમદાવાદ।